24 अगस्त की वो काली रात जहां पर एयरबस A330 मॉडल का एक बहुत ही आधुनिक विमान अटलांटिक समुद्र के बीचों बीच करीब 40,000 फीट के अल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था, पर तभी अचानक प्लेन में सारा फ्यूल खत्म हो गया। साथ ही प्लेन का सारा इलेक्ट्रिसिटी भी अचानक से बंद हो गया। फ्यूल खत्म हो जाने के कारण प्लेन के इंजन ने भी अपना काम करना बंद कर दिया। अब यह प्लेन 40,000 फीट के अल्टीट्यूड पर उड़ान नहीं भर रहा था, बल्कि तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा था, एक घायल पंछी की तरह, एक बेजान पत्थर की तरह। आखिर क्या हुआ था इस प्लेन के साथ? आखिर अचानक प्लेन का फ्यूल खत्म कैसे हो गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि प्लेन में सवार 306 लोगों का क्या हुआ होगा? क्या उन्हें जिंदा बचाया गया? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस केस स्टडी में। वो दिन था 24 अगस्त 2001 जब एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 एयरबस A330 मॉडल का एक बहुत ही आधुनिक विमान टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनाडा से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को पोर्टेला एयरपोर्ट लिस्बन पुर्तगाल में लैंड करना था। प्लेन में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ सभी 306 लोग एक एक करके सवार हो गए। इस प्लेन को कैप्टन रॉबर्ट पीचे उड़ाने वाले थे। इनके पास 16,800 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव था। वही फर्स्ट ऑफिसर डर्क डेजेगर आज कॉकपिट में कैप्टन का साथ देने वाले थे और इनके पास 4,800 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। ये प्लेन सिर्फ 2 साल पुराना था। अब क्योंकि इस प्लेन को करीब 7 घंटा नॉनस्टॉप उड़ान भरना था, इसलिए प्लेन में जरूरत से भी 4,500 किलोग्राम ज्यादा फ्यूल भर दिया गया। टेक ऑफ प्रोसेस को पूरा करते हुए प्लेन रनवे की तरफ बढ़ने लगा। एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 अपने हाई स्पीड के साथ रनवे पर तोड़ने लगा और कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन टेक ऑफ भी कर गया। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद ये प्लेन अपने हाई अल्टीट्यूड तक पहुंच गया। कैप्टन ने इस प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट किया। एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 करीब 40,000 फीट के हाई अल्टीट्यूड पर बड़े ही मजे से उड़ान भर रहा था बिना किसी परेशानी के। पर उड़ान भरने के करीब 4 घंटे बाद पायलट ने यह नोटिस किया कि प्लेन के इंजन नंबर 2 पर फ्यूल टेम्परेचर काफी कम दिखा रहा था, वही फ्यूल प्रेशर बहुत ही ज्यादा दिखा रहा था। पर पायलट को लगा कि यह सिर्फ कंप्यूटर एरर होगा, इसीलिए पायलट ने प्लेन के मैनुअल में चेक किया कि प्लेन के लो फ्यूल टेम्परेचर और हाई प्रेशर के बारे में क्या सॉल्यूशन दिया है, लेकिन प्लेन के मैनुअल में भी इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। इसलिए पायलट ने यहाँ पर एयर ट्रांजिट कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट किया और उन्हें इस मुसीबत के बारे में बताया, लेकिन कंपनी की ओर से पायलट को कोई भी उचित जवाब नहीं मिला। 40,000 फीट के हाई एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा प्लेन एक एक स्टेप मौत के मुंह में जा रहा था और इसके बारे में पायलट को भनक तक नहीं था। उधर कंपनी ने भी मुसीबत के समय अपने हाथ ऊपर किया और पायलट को कोई भी मदद नहीं किया। कंपनी की ओर से कोई उचित जवाब ना मिलने पर पायलट अभी भी यही समझ रहा था कि यह सिर्फ कंप्यूटर एरर होगा, इस प्लेन में कोई भी खराबी नहीं है। इसी सोच के साथ एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 अपनी उड़ान को जारी रखा, पर इसके महज 25 मिनट बाद अचानक कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। मानो इस प्लेन पर एक के बाद एक मुसीबत का पहाड़ टूटना शुरू हो गया। यह अलार्म फ्यूल इंबैलेंस वार्निंग का था, लेकिन इस अलार्म के बजने की वजह आखिर क्या थी और यह अलार्म क्या कहने की कोशिश कर रहा था, तो चलिए इसके बारे में भी बेसिक चीजें देखते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपको पता ही होगा कि प्लेन के दोनों विंग्स में ही फ्यूल को भर दिया जाता है, यानी कि प्लेन का फ्यूल टैंक प्लेन में लगे दोनों विंग्स में ही होता है, जिससे प्लेन को स्टेबल रखना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जब प्लेन के दोनों विंग्स में अगर बराबर मात्रा में फ्यूल ना हो तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। जैसे कि अगर प्लेन के लेफ्ट साइड के विंग्स में 70 लीटर फ्यूल भर दिया, वही राइट साइड के विंग्स में 30 लीटर फ्यूल भर दिया, तो ऐसे कंडीशन में प्लेन इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि प्लेन के राइट साइड के कंपैरिजन में लेफ्ट साइड के फ्यूल टैंक में फ्यूल ज्यादा भरा है, इसीलिए यह प्लेन लेफ्ट साइड की ओर झुकता जाएगा और जल्द ही यह प्लेन बैंक एंगल पोजीशन में जाएगा, यानी कि यह प्लेन लेटरल पोजीशन में चला जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि अब इस प्लेन को फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन में लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा और आगे जाकर यह प्लेन क्रैश भी हो जाएगा। अब इस तरह की अनहोनी को टालने के लिए प्लेन के दोनों विंग्स में फ्यूल बराबर मात्रा में है या नहीं, यह सेंस करने के लिए एक सेंसर लगा होता है।
अगर दोनों विंग्स में फ्यूल बराबर मात्रा में नहीं होता है तो कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म फ्यूल इम्बैलेंस वार्निंग का होता है। ये अलार्म ये बताने की कोशिश करता है कि प्लेन के दोनों फ्यूल टैंक में फ्यूल इम्बैलेंस हो गया है, यानी कि किसी एक फ्यूल टैंक में फ्यूल ज्यादा हो गया है, वही दूसरे फ्यूल टैंक में फ्यूल कम हो गया है। जल्द से जल्द आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और ठीक ऐसा ही हो गया था एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के साथ। कॉकपिट में फ्यूल इम्बैलेंस का अलार्म बजने लगा। अब इस अलार्म को सुनने के बाद दोनों पायलट डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ऐसी मुसीबत पायलट ने अपने पूरे करियर में ना तो कभी देखा था और ना ही कभी सुना था। अब पायलट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्लेन के साथ क्या हो रहा है। अब पायलट ये चेक करने लगा कि आखिर ये फ्यूल इम्बैलेंस वार्निंग अलार्म क्यों बज रहा है, और तभी उसने जो देखा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। प्लेन के इंजन नंबर 2 में फ्यूल कम हो गया था, पर आखिर कैसे? क्या इंजन नंबर 2 का फ्यूल टैंक लीकेज हो गया था? और अगर लीकेज हो भी जाता तो अभी तक कॉकपिट में फ्यूल लीकेज का अलार्म क्यों नहीं बचा होगा? आखिर इंजन नंबर 2 का फ्यूल कम होने की असली वजह क्या हो सकती है? पर इसका पता लगाने के लिए अब पायलट के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, क्योंकि अगर और कुछ समय के लिए प्लेन के इंजन नंबर 2 को फ्यूल नहीं मिलता तो ये इंजन नंबर 2 पूरी तरह से बंद हो जाता। इसलिए पायलट ने बिना वक्त गवाए प्लेन का इंजन नंबर 1 का फ्यूल इंजन नंबर 2 में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया एक तकनीक की मदद से। इस तकनीक को कहा जाता है क्रॉस फीडिंग सिस्टम। इस तकनीक की मदद से पायलट प्लेन के एक फ्यूल टैंक में बचा हुआ फ्यूल दूसरे फ्यूल टैंक में ट्रांसफर कर सकता है। अब क्योंकि कॉकपिट में फ्यूल लीकेज का कोई भी अलार्म नहीं बजा था, इसलिए पायलट को लगा कि प्लेन के इंजन नंबर 2 के फ्यूल टैंक में लीकेज के कारण फ्यूल कम होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पायलट तो अभी भी इन सब बातों को एक सिस्टम एरर ही समझ रहा था, और इसी के चलते पायलट एक बहुत बड़ी गलती कर चुका था। उसने क्रॉस फीडिंग सिस्टम की मदद से इंजन नंबर 2 के फ्यूल टैंक में फ्यूल को ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन उसके कुछ ही मिनट में ही फिर से फ्यूल इम्बैलेंस वार्निंग अलार्म बजने लगा। प्लेन के इंजन नंबर 2 के फ्यूल टैंक में फ्यूल कम दिखा रहा था, वही इंजन नंबर 1 में फ्यूल ज्यादा दिखा रहा था। अब इस अलार्म को सुनने के बाद पायलट को यह कन्फर्म हो गया कि यह कोई सिस्टम एरर नहीं है, बल्कि इस प्लेन पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गया है। लेकिन ये मुसीबत आखिर किस वजह से आ गया है, इसके बारे में पायलट को कुछ भी पता नहीं था। तुरंत ही पायलट ने चेक किया कि अब इस वक्त प्लेन के दोनों फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल बचा हुआ है, और उस बचे हुए फ्यूल में क्या ये प्लेन अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकता भी है या नहीं। और इसका जो नतीजा सामने निकल कर आ गया, उसने मौत का दरवाजा ही खोल दिया। प्लेन में जितना फ्यूल बचा हुआ था, उतने फ्यूल में ये प्लेन अपने मंजिल तक कभी पहुंचने वाला नहीं था। प्लेन के कैबिन में बस चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगा। हर एक पैसेंजर भगवान से अपनी जान की भीख मांगने लगा। प्लेन के फ्यूल टैंक में अब इतना भी फ्यूल नहीं बचा था कि ये प्लेन आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच सके। ये प्लेन तो अटलांटिक समुद्र के बीचों बीच 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था, और इससे भी डरावना सच ये था कि आसपास कोई भी एयरपोर्ट तक नहीं था इस प्लेन को इमरजेंसी लैंड कराने के लिए। पायलट के कैलकुलेशन के अनुसार ये प्लेन इसी समुद्र में क्रैश होने जा रहा था। अब पायलट ने यहाँ पर ATC से फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। उधर ATC भी अपना पूरा फोकस इसी प्लेन के ऊपर कर दिया, ताकि जैसे तैसे करके इस प्लेन को किसी भी एयरपोर्ट पर सही सलामत लैंड कर दिया जाए। पायलट ने किए कैलकुलेशन के अनुसार इस प्लेन का समुद्र में क्रैश होना तय था। ऐसा लग रहा था मानो एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की किस्मत अब लिखी जा चुकी है। प्लेन पर एक या दो नहीं बल्कि मुसीबतों का पहाड़ ही टूट गया था। करीब 20 मिनट उड़ान भरने के बाद प्लेन का सभी लाइट्स अचानक से ब्लिंक करने लगा। वही प्लेन का इंजन नंबर 2 का फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल ना मिलने के कारण प्लेन का इंजन नंबर 2 फेल हो गया, पर अभी भी इंजन नंबर 1 वर्किंग कंडीशन में था और अपने हाई स्पीड के साथ पावर को प्रोड्यूस कर रहा था, इसलिए पायलट इस प्लेन को कंट्रोल कर पा रहा था। एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 ऐसे ही करीब 30 मिनट तक उड़ान भरता गया, लेकिन तभी जो आखिरी उम्मीद बचा था इस प्लेन के लिए, वह इंजन नंबर 1 भी फेल हो गया और प्लेन का सारा लाइट्स चला गया। पायलट ने दोनों इंजन को बंद कर दिया, क्योंकि प्लेन में सारा फ्यूल खत्म हो जाने के कारण दोनों इंजन ने अपना काम करना बंद कर दिया था। फ्यूल खत्म होते ही पायलट ने इमरजेंसी मेडिकल कॉल डिक्लेयर कर दिया।
पायलट ने एटीसी से कहा कि हम अभी 40,000 फीट के अल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे हैं और प्लेन में सारा फ्यूल खत्म हो गया है, जिसकी वजह से हमारा दोनों इंजन भी फेल हो गया है। हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय मौत का इंतजार करने के। एक आखिरी उम्मीद के रूप में अगर हमारे आसपास कोई एयरपोर्ट है तो हमें जरूर बताएं, ताकि हम इस प्लेन को जैसे तैसे करके उस एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। पर एटीसी ने कहा, आपका प्लेन पोर्टेला एयरपोर्ट तक किसी भी हालत में पहुंच नहीं सकता है, और जिस लोकेशन में आप अभी उड़ान भर रहे हैं उसके सैकड़ों किलोमीटर के आसपास में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप प्लेन का ग्लाइड रेशियो सही तरीके से मेंटेन करते हैं तो पोर्टेला एयरपोर्ट लिस्बन के बिल्कुल पहले एक छोटा सा एयरबेस है, लाजेज एयरबेस एजोर्ज एयरपोर्ट। एजोर्ज एयरपोर्ट के बारे में बताकर एटीसी ने मानो जीने की एक नई उम्मीद को जगा दिया, डूबती हुई नैया को किनारे लगा दिया हो। लेकिन बिना इंजन और बिना कंट्रोल के उस एयरपोर्ट तक जाना भी इतना आसान नहीं था। प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाने के कारण प्लेन का सारा हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया था। पर जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 एक बहुत ही आधुनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्लेन था। प्लेन को बनाने वाली कंपनी ने अगर कभी भी प्लेन ऐसे हादसों का शिकार हो जाता है, प्लेन का सारा कंट्रोल चला जाता है, तो भी प्लेन के कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, और उस इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए प्लेन के इंजन में RAT रैम एयर टरबाइन को भी इंस्टॉल किया था, ताकि हवा के कांटेक्ट में आते ही यह टरबाइन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। यह रैम एयर टरबाइन एक पवन चक्की की तरह काम करता है। इस टरबाइन के एक्टिव होते ही प्लेन के कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स फिर से एक बार काम करने लगे और पायलट भी प्लेन को कंट्रोल करने लगा। लेकिन प्लेन का दोनों इंजन तो बंद ही था, और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाई अल्टीट्यूड पर हवा सांस लेने लायक नहीं होती है, इसलिए प्लेन का इंजन ही प्लेन के कैबिन में एयर को सप्लाई करता है, जिससे प्लेन के कैबिन में हवा का प्रेशर मेंटेन रहता है और पैसेंजर नॉर्मली सांस ले सकते हैं। लेकिन एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 का दोनों इंजन तो फेल हो गया था, जिससे प्लेन के कैबिन में एयर का ट्रांसफर होना भी बंद हो गया और प्लेन के कैबिन में एयर प्रेशर कम होने लगा। दोस्तों, जब कभी प्लेन के कैबिन में एयर प्रेशर कम होने लगता है तो ऑटोमेटिकली पैसेंजर्स के लिए ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो जाता है, ताकि पैसेंजर आसानी से सांस ले सके। ये ऑक्सीजन 20 मिनट तक सभी पैसेंजर्स को जिंदा रखने में मदद करता है। इस 20 मिनट में प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई से 10,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई तक या 20,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे आ जाता है। और जैसे कि मैंने इससे पहले भी कई सारी वीडियो में बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 20,000 फीट की ऊंचाई तक हवा सांस लेने लायक होती है, इसके कारण पैसेंजर बिना ऑक्सीजन मास्क के भी 20,000 फीट के अल्टीट्यूड पर आसानी से सांस ले सकते हैं। अब यहाँ पर एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 40,000 फीट के अल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था, इसलिए प्लेन के कैबिन में ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो गया। उधर पायलट ने पैसेंजर्स के लिए एक अनाउंसमेंट कर दिया, इस वक्त हम अटलांटिक समुद्र के ऊपर से करीब 40,000 फीट के अल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहे हैं, लेकिन प्लेन में फ्यूल खत्म हो जाने के कारण प्लेन का कंट्रोल भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि हम अपने मंजिल तक पहुंचने से पहले ही यह प्लेन अटलांटिक समुद्र में क्रैश हो जाएगा। जीने की आखिरी उम्मीद समझकर सभी लोग लाइफ जैकेट को पहने। अब ये प्लेन बिना कोई आवाज किए, ना किसी भी तरह का शोर किए, बस ग्लाइड कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई प्लेन नहीं बल्कि एक बड़ा सा ग्लाइडर है। 40,000 फीट की ऊंचाई पर चारों ओर बस खामोशी छाया हुआ था। आवाज आ रही थी तो बस पैसेंजर्स के चीखने चिल्लाने की। सभी पैसेंजर्स बस मदद की पुकार कर रहे थे, पर 40,000 फीट के अल्टीट्यूड पर ना तो उनकी पुकार को सुनने वाला कोई था और ना ही कोई मदद करने वाला। इस वक्त प्लेन कुछ इस तरह से उड़ान भर रहा था कि अगर यह प्लेन 5,000 फीट आगे की ओर फ्लाई करता है तो अपने आप 1,000 फीट नीचे भी आएगा। प्लेन काफी तेजी से अपने अल्टीट्यूड को खो रहा था। देखते ही देखते प्लेन कुछ ही मिनट में 10,000 फीट के अल्टीट्यूड पर पहुंच गया। उधर पोर्टेला एयरपोर्ट लिस्बन के एटीसी ने एजोर्ज एयरपोर्ट के एटीसी को कॉल किया और उन्हें एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 में आई मुसीबत के बारे में बताया। वहीं सभी रनवे को तुरंत ही खाली करने का आदेश भी दिया कि भाई एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और उसका अपनी मंजिल पोर्टेला एयरपोर्ट तक पहुंचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
लेकिन ये प्लेन आपके एजोर्ज एयरपोर्ट तक आसानी से आ सकता है, इसलिए जितना हो सके आप इस प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने में हमारी मदद करें। एजोर्ज एयरपोर्ट के एटीसी ने तुरंत ही सभी रनवे को खाली कर दिया और पायलट से कहा कि आपके लिए पूरा रनवे खाली कर दिया है, आप बस इस प्लेन को किसी भी रनवे पर सुरक्षित लैंड करवा दो। प्लेन अब एयरपोर्ट के काफी नजदीक आ चुका था। 5,000 फीट, 3,000 फीट, 2,000 फीट, 1,000 फीट और फाइनली प्लेन रनवे पर सही सलामत टच डाउन भी किया। लेकिन अभी भी प्लेन का मुसीबत खत्म नहीं हुआ था। अब क्योंकि प्लेन का सारा हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था, इसलिए प्लेन को रनवे खत्म होने से पहले रोक पाना काफी मुश्किल हो गया। प्लेन का रिवर्स थ्रस्ट एक्टिव ना होने के कारण पायलट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय डिस्क ब्रेक लगाने के। पायलट ने डिस्क ब्रेक को फुल कर दिया जिससे प्लेन का सभी टायर रनवे पर रगड़ खाने लगा। एक एक करके प्लेन का सभी टायर ब्लास्ट होने लगा और टायर से आग की लपटें निकलने लगी और आखिरकार पायलट ने इतने मुश्किलों के बाद इस प्लेन को सही सलामत रनवे पर रोक दिया। प्लेन में सवार सभी 306 पैसेंजर्स को बिना किसी खरोच के सही सलामत प्लेन से बाहर निकाला गया। यात्रा कर रहे सभी 306 पैसेंजर्स को जिंदा बचाया गया। सभी पैसेंजर्स दोनों पायलट को भगवान मान रहे थे। कई दिनों तक अखबारों में बस पायलट ने किए चमत्कार के बारे में सुर्खियां बन रही थी। लेकिन जरा सोचे कि अगर रास्ते में एजोर्ज एयरपोर्ट ना होता तो एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के साथ क्या हो जाता, प्लेन में सवार 306 लोगों का क्या हो जाता। तो ये थी कहानी एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।